है तीसरे ब्लॉक की। और यार तीसरे ब्लॉक के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन की भी। देख रहे हो धूप कितनी ज़्यादा हो रही है, दोपहर के हो रहे हैं, बज रहे हैं अभी एक। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सब बढ़िया ही रहना, तभी हम बढ़िया रहे। यार ब्लॉगिंग करना इतना इजी नहीं है जो कि आप लोग समझते हो। अभी देख रहे हो जैसे कि मैं घर से निकल कर यहाँ आया हूँ मंदिर पे, तो आप जानते ही हो कितनी धूप हो रही है इस टाइम। यार ब्लॉग भी शूट करना होता है और साथ में ड्यूटी भी अपनी देखनी होती है, जॉब जो कि, तो उसमें क्या है जो वीडियो बनाना ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। जैसे कि आप देखते हो नेक्स्ट वीक हमने ऑफ वाले दिन कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से अब इस हफ्ते हमने ब्लॉग शूट किया। तो दो हफ्तों का बीच में टाइम आ गया, गैप आ गया, तो ऐसे तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ब्लॉग शूट करना, ब्लॉग बनाना, और ऐसे तो नहीं कुछ हो पाएगा। तो इसलिए हम अब सोच रहे हैं कि ड्यूटी से जाते टाइम भी और ड्यूटी से आते टाइम भी कुछ ब्लॉग शूट कर लिया जाए, कुछ बना लिया जाए ताकि हम जल्दी जल्दी ब्लॉग डाल सकें, ब्लॉग दिखा आपको वीडियो दिखा सकें। तो आज हम हालांकि आए हैं छुट्टी वाले दिन, बट आगे से ड्यूटी जाने से पहले या ड्यूटी आकर के घर पे उसके बाद तो वीडियो बनाई जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में दो या तीन ब्लॉग ज़रूर डाल सकूँगा आप लोगों के लिए। इसलिए आई होप सब लोग बहुत ही प्यार दें। मैं ना यार ड्यूटी इसी रोड से जाता हूँ, यहीं से निकलता हूँ, यहीं से घर वापस जाता हूँ, और डेली मैं जब आता और जाता हूँ ना, आप मेरे पीछे मूर्ति देख रहे हैं ना, तो जो डेली इन मूर्ति को देखता हूँ और भगवान को नमस्कार करता हूँ, और यही बार बार सोचता हूँ कि कितनी प्यारी मूर्ति है, मंदिर भी कितना प्यारा होगा। तो आज हम इसी वजह से यहाँ पर आए हैं। तो मैंने अभी देखा मंदिर पीछे बैक साइड पे, तो देखा तो मेरे पता चला कि ये मंदिर तो है ही, साथ में यहाँ पर वृद्ध आश्रम भी खुला गया है। तो वृद्ध आश्रम यहाँ पर खुला हुआ है, मैंने भी बात भी की थी, तो मुझे पता चला यहाँ पर अभी 40 लोग अभी अवेलेबल है वृद्ध आश्रम में, जो कि अनाथ लोग हैं, और बाकी 108 लोगों का स्पेस अभी और बनाने वाले हैं ये लोग, ताकि और लोग भी यहाँ पर रह सके। तो मैंने यहाँ देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि यार हम भी लोग कुछ, सपोज़ आपका जन्मदिन है या फिर आपका मतलब कुछ भी है घर में, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और खाना पीना पैसे या कुछ भी चीज़ हो यहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो कि वो बेसहारा लोग आपके दिए हुए चीज़ को खा सके, ले सके। तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा, मन हो कभी तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। मैं आपको बताऊँगा क्या और कौन सी जगह है। वैसे तो आपने ये मूर्ति देख ली होगी और समझ लिया होगा कि कौन सी जगह है ये, कहाँ पर हम बैठे हैं। तो आप लोगों को सोचना ये है कि यहाँ पर आना कब है। वैसे मंदिर है, मंदिर घूमने आइए, लेकिन यार बैक साइड में वृद्ध आश्रम है, आप लोग देखिएगा और मुझे बताइएगा कि हाँ जी वृद्ध आश्रम रियलिटी सीरियस, मतलब लोग फोकस कर रहे हैं इसको, जो भी चला रहे हैं ट्रस्ट को वो बहुत ही सीरियस चला रहे हैं और जेन्युइन काम करते हैं।
देख रहे हो जो कि ये मूर्ति और आसपास का नज़ारा, मैं आपको बता दूं ये है मुकरबा चौक और ये रोड जा रहा है सीधा सिंधु बॉर्डर की तरफ। यहाँ से आप लोग पंजाब, अमृतसर, लुधियाना और भी जम्मू, शिमला, मनाली जगह यहाँ से निकलते हैं। और ये आप मेरे बैक साइड देख रहे हैं जो कि कूड़े का बहुत बड़ा खत्तादान है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ करीब से, तो देख सकते हैं ये इसके बैक साइड है मंदिर के। ये बैक यार एक बात और, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है हमने, यूट्यूबर बन गए हम, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या बनाए, क्या दिखाए, कहाँ जाए। तो यार आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो बहुत अच्छी अच्छी जगह जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। आप अगर ब्लॉग देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें उससे मोटिवेट होते हैं, ताकि लगता है कि हाँ भाई लोग देखते हैं, समझते हैं, मानते हैं मुझे, जो कि उससे हम और ज़्यादा साहस मिलती है और ज़्यादा ब्लॉग बनाते हैं। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़रूर 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 सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आप लोगों का यही साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना साथ मत छोड़ना और देखते रहना वीडियो सारी की सारी। नए नए आइडियाज़ पे वीडियो बनाते रहेंगे, नई नई जगह घूमते रहेंगे, और हम घूमेंगे तो आपको भी घुमाएंगे। तो देखते रहना मेरी सारी वीडियो और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा M2K ब्लॉग। और हाँ, कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया। यूट्यूबर तो बन गए, अब देखना है यूट्यूब की जर्नी कितनी आगे तक जाती है। और यार इनका हाथ और साथ दोनों कसकी पकड़ लिया है, आगे चल के देखेंगे कहाँ तक ये लेके जाते हैं। वैसे तो यार ये छोड़ने वाले तो नहीं है, इतना तो पता है, लेकिन हम भी छूटने वाले नहीं हैं। खूब मेहनत करनी है और अपने ब्लॉग्स को बहुत आगे तक लेके जाना है, आगे जा। देखो अभी क्या है, वीडियो ब्लॉग्स मेरा तीसरा है, ये वाला थर्ड ब्लॉग है। तो यार इसमें आप सोचो कि ये चीज़ नहीं दिखाई, वो चीज़ नहीं दिखाई, ऐसा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया, तो यार अभी मुझे भी ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं है, तो अभी मैं भी सीख रहा हूँ। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे, धीरे 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 सब चीज़ बढ़िया कर दे और आने वाले टाइम में सारे ब्लॉग बहुत ही बढ़िया से बनाए। तो आई होप आपकी पूरी सपोर्ट रहेगी इस चीज़ पे, इस चीज़ को लेकर के। तो आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो यार मोटिवेट बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत दूर दूर तक बहुत अच्छी अच्छी जगह हम घर से निकल के ब्लॉग शूट करने के लिए जाएंगे। तो यार आप लोगों का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इनका साथ तो हमने ले ही रखा है, इनका हाथ तो हमने थाम ही रखा है, जो कि अब छोड़ना नहीं है। यार किसी भी चीज़ में ना, क्या कोई भी चीज़ हो, भगवान का साथ जहाँ है ना, या ये मान लो भगवान की पार्टनरशिप, भगवान की पार्टनरशिप किसी की चीज़ भी, किसी भी चीज़ में है ना, तो वो चीज़ कैसे चलेगी। तो ऐसा ही कुछ अपनी YouTube लाइफ में इस भगवान का पीछा नहीं छोड़ना, इसके साथ नहीं छोड़ना। आप ब्लॉग में मोस्टली देखोगे भगवान ज़रूर दिखेंगे, तो इनके साथ ही रह कर के ब्लॉगिंग शुरू की है और अंत भी
इन्हीं के साथ होगा। खैर अंत का तो अभी कोई डिस्कस नहीं करना, लेकिन इन्हीं के साथ हमने लाइफ को चलाना है।